हेलो हाय नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। करते हैं आज के खूबसूरत से ब्लॉग की शुरुआत इन खूबसूरत से पहाड़ों से। और ये देखिए आजकल बरसात के दिन है, चारों तरफ से सुंदर सी हरियाली बनी हुई है। और दिखाती हूँ मैं आज की एक्टिविटीज, और आप हमारे वीडियो में बने रहें। यहाँ पर आड़ू की धुलाई करने के बाद इस तरह से पानी में डाल लिया गया है। इसको दूसरे पानी में फिर से निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें इतना पानी गंदा निकल रहा है, इसके बाहर से बाल होते हैं। फिर भी ये बरसात वाला हुआ तो इस फिर भी सफाई हुई रहती है पैराडिलेक्स में। और इसको दूसरे पानी में डाल के कितना अच्छा सा हो रखा है। आड़ू अभी एकदम टाइट है, इस बार कीड़ा नहीं आया क्योंकि यहाँ बारिश ही नहीं हो रखी है। और इसको फिर दूसरे भगोने में डालने के बाद कटाई करते हैं, दिखाती हूँ मैं। फिर ये बहुत अच्छी तरीके से गुठलियाँ छोड़ देता है। और यहाँ पे अभी हमने इतने सारे आड़ू काट लिए हैं और फिर से काटने हैं। और फिर लंच करने के बाद फिर से इसकी कटिंग करती हूँ, फिर दिखाती हूँ वीडियो में आगे हम क्या करते हैं। अब सभी लोग यहाँ पर आड़ू की कटाई कर रहे हैं तो मैं भी उन लोगों के साथ काम कर लेती हूँ। हम यहाँ पर आड़ू काट रहे हैं, आड़ू की धुलाई करने के बाद मैं दिखाती हूँ, आप हमारे वीडियो में बने रहें। आज मौसम की बात करें तो दिन भर धूप है तेज, और आसमान में हल्के हल्के बादल भी हैं और हवा चल रही है, पूरे दिन धूप रही। इस बार तो वैसे भी बरसात में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो पाई। अभी आज से हमारे वहां पर एप्पल जोन पर सेव का काम शुरू हो गया। यहाँ पे आज हमने भी सेव ले लिया और स्थानीय लोगों का सेव आना भी धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। अभी हमारे यहाँ पे आ रखी है गाड़ी, अब करते हैं इसे अनलोड। पूरी गाड़ी अनलोड कर ली है, ये यहाँ पर पूरा एप्पल आ रखा है। ये जो सामने दिख रहा है ये सब है राइमर, इससे बनेगा हमारे यहाँ पर जैम चटनी, और जो इसमें पका हुआ सेव होगा मीठा डेलीशियस, उससे हम तैयार करते हैं स्क्वैश। अभी हम इन पूरे कट्टों को खाली करेंगे और उसको दिखाती हूँ मैं आपको वीडियो के माध्यम से। अभी कोई विजिट के लिए आए हैं तो उनको हम विजिट करा रहे हैं यहाँ पे, मेरे हस्बैंड बता रहे हैं। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, आपको ले चलती हूँ गार्डन में। ये भैया को भी तो दो, इनको भी तो दो, उनकी नॉलेज भी तो बढ़ेगी। मीठा हो रहा है जो आजकल शुगर फ्री तैयार की जा रही है ना, इसके पाउडर से वो है करी पत्ता, वो करी पत्ता है वो। हाँ ये ऑरेगानो है, ये इटालियन थाइम, ये ऑरेगानो ही इटालियन थाइम है। वो है लेमन बाम, ये है बाम, ये लेमन बाम, तो ऐसे बहुत इतना मत तोड़ो फिर छोटी होती है ना। यहाँ नवंबर के टाइम में तैयार होती है ना। हाँ। अंशु बाबा घुरी चलता हूँ, जा पाएंगे आप? अभी
सेव को अनलोड करते 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 हमें इतनी रात हो गई है और अभी मैं वीडियो भी नहीं बना पाई क्योंकि बहुत रात हो गई है। अभी हमारे यहाँ पे एक गाड़ी एप्पल आ चुका है, सेव रैमर, और अब हम इसकी पल्प तैयार कर लेंगे इसका, और उसके बाद फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से हम यहाँ पे सेव मंगाएंगे। वो हमें देखना है कि हम कितना फल कितनी प्रोसेसिंग कर पाएंगे। अभी मौसम इस तरह से खराब हो चुका है और इतनी तेज हवाएं चल रही हैं सामने और अंधेरा इतना हो रखा है, सामने बादल और तेज तेज, क्या पता रात को बारिश हो, बरसात के दिन है पर बारिश तो नहीं हुई है। ये देखिए सामने किस तरह से हवाएं चल रही हैं, अब रात भी हो चुकी है और अपना हम काम करते हैं। अभी एप्पल अनलोड करते करते हमें इतनी लेट हो गई है, 7:30 बज गया और पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया है, और इसी के साथ वीडियो भी समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई एक्टिविटीज के साथ, और कल से हमारे यहाँ पर एप्पल का काम शुरू। हमारे यहाँ कुछ दिन से फ्रूट प्रोसेसिंग का काम बंद हो रखा था और थोड़ा बहुत जो काम था उसे हम कर रहे थे। आज भी पीच आड़ू काट रखा है और उबाल रखा है, और कल से करेंगे हम एप्पल का काम। मिलते हैं कल से एप्पल के साथ नई एक्टिविटीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।